नमस्कार, मैं मून कुमारी फिर से हाजिर हूँ फटाफट खबरों के साथ। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने प्रखंड के हरली में खराब ट्रांसफार्मर से अंधेरे में रह रहे ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करते हुए 100 केवीए का ट्रांसफार्मर ग्रामीणों को उपलब्ध कराया। बड़कागांव एनटीपीसी बादम कोयला खनन परियोजना द्वारा आज गोंदलपुरा मेन बस्ती में दिव्यांगों, विधवा, बुजुर्गों, महिलाओं एवं जरूरतमंदों को कुल 250 कंबल का वितरण किया गया। विधि व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर हजारीबाग में लागू हुआ धारा 144, जुलूस एवं बैठकों पर लगी रोक। झारखंड में वीडियो समेत 39 अफसरों पर FIR, कोरोना काल में रोजगार देने में हुआ भारी घोटाला। हजारीबाग में हादसों का मोड़ बन गया है चरही का इलाका, कल 3 मौत के बाद आज ट्रक खाई में गिरा। विकास योजनाओं को धरातल पर उतारना पहली प्राथमिकता, कहा हजारीबाग की नई उप विकास आयुक्त प्रेरणा दीक्षित ने। रिम्स में मात्र आधा लीटर पानी और 1600 कैलोरी युक्त भोजन लेंगे राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, पुराने डॉक्टर को किया याद। खलारी में बंद भूमिगत खदान में लगी भीषण आग, रात भर नहीं सोते ग्रामीण। बड़कागांव महाशिवरात्रि पूजा को लेकर महुदी बुढ़वा महादेव मंदिर प्रांगण में बैठक 18 फरवरी को रखी गई। माली में फंसे झारखंड के 33 मजदूरों में से आखिरी 10 मजदूरों का जत्था शनिवार को होगा वतन वापसी, परिवार में खुशी। कटकमदाग प्रखंड स्थित बानादाग रेलवे कोयला साइडिंग के विरोध में दोबारा आंदोलन करने की तैयारी स्थानीय रैयत कर रहे हैं। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे फटाफट खबरों के साथ।